ऑफिसर्स, नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन हाय, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन दिस इज अवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक एवरी बच्चे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो वहां पर ना कुछ करंट अफेयर्स

अभी तक हमने यहां तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से से देखा देखा होता है, देखा होता है 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 या साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दैट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर हिस्ट्री एज वेल राइट जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन आपको थोड़ी सी टेढ़ी लगी होगी बात नाउ दिस टॉपिक कोडेई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी राइट right? अब सोलर ऑब्जर्वेटरी है राइट दैट मीनस की साइंस एंड टेक का टॉपिक है और प्लस आपको हल्का फुल्का जोग्राफी का टॉपिक है लेकिन ये इसको आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? तो इट्स नॉट अ साइंस एंड टेक टॉपिक हाउ एवर इट्स अब्जर्वेटरी कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट है ना आपने एक पालनी हिल्स के अंदर ये एक जगह है कोडाई कोडाई कनाल राइट right? वहां पे ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं बिकॉज 2024 मार्क्स दन 125th ईयर ऑफ द केएसओ राइट right? और के ओ एसओ राइट तो इस साल आपका 125 साल इसको जो है वो कंप्लीट होते हैं दैट यूपीएससी एक सौ से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे चंपारण के जब आई थिंक हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट हुए थे और इस टाइप के uh, सत्यग्रह के जो हंड्रेड ईयर्स तो उन सालों में यूपीएससी में देखा गया कि उसका सवाल आए हैं जब भी ऐसे हंड्रेड ईयर्स वन ट्वेंटी फाइव ईयर्स होते हैं तो सरकार भी थोड़ा एक्टिवली uh, इसको मैगजीन वगैरह में डालना शुरू कर देती है दे बिकम थोड़ा सा तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा इसलिए बता रहा हूं, तो तो हूं इनकेस अगर आप भी अपने लेवल पे करंट अफेयर रीड कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस थिंग राइट की अगर इसके एक सौ पच्चीस साल हो गए दैट मीन्स की इट इज सम्पोर्टेंट राइट तो इसको हल्की सी हमने ज्यादा तोज्जो देनी है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में हल्की सी राइट right? अदरवाइज यूपीएससी का थोड़ा सा uh, कम ही पता रहता है oh, कुछ कुछ ऐसे गारंटी के साथ हम कह नहीं सकते बट स्टिल द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू दिस इज दैट ब्यूटीफुल ऑब्जरवेटरी इफ यू सी सो द आइकॉनिक कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इन तमिलनाडु हैज बिन मेन ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी सिंस इट वॉज फाउंडेड ऑन अप्रिल फर्स्ट एटीन नाइनटी नाइन राइट एंड एंड ऑफ दाइनटीन सेंचुरी बच्चे क्या है ये इट इज अ सोलर ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल तो इस तरीके से बन सकता है जैसे आपको 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 बाकी भी ऑब्जर्वेटरीज ऑब्जर्वेटरीज इंडिया इंडिया की की पता पता है आपको। है है लिक्विड मिरर वाली ना इसके बाद वगैरह बहुत सारी ऑलरेडी पता है और वो अलग अलग चीजें कोई रेडियो स्कोपी से कर रहा है राइट और ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है कोई ऑप्टिकल टेलीस्कोप है कोई कुछ है कोई कुछ है राइट तो रीजन बोल के वो मैच करने को दे सकते हैं कि किस जगह पे एक्जैक्टली exactly किस टाइप की ऑब्जर्वेटरी जैसे अगर कौड़ाई कनाल होगा

याद रखना बच्चे अगेन हो सकता है सब कुछ स्कीप हो जाए और कोडाई कनाल को पालनी हिल से मिलाने को दे दिया जाए और वैसे ही अलग अलग हिल स्टेशन को अलग अलग जगह पे मिलाने को दे दिया जाए <coughs> <coughs> पिक्ड फॉर दब्जर्वेटरी बिकॉज ऑब्वियसली गुड एडवेस्ट कंडीशन है पॉल्यूशन नहीं है तो आपको बेटर दिखाई देता है इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन प्लेज अ बिग रोल राइट रेडियो पोल्यूशन के आर पर आ जाते हैं लेकिन रेडियो आर अगेन सेप्टेबल टू अदर ई एम लीकेजेस जैसे आपका फोन हो गया एसी हो गया एनी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवरीथिंग एम इट्स ई एम राइट बेस्ड ऑन सर्वे सर्वे किसने किया था चार्ल्स मिकी स्मिथ अ प्रोफेसर फाउंडेशन वॉज लेड बाय लॉर्ड वेनलॉक द गवर्नर ऑफ फाउंडेशन स्टोन जो है वो लेट किया था सिस्टमेटिकवेशन कमेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे 14 मार्च 1901 However, अगर, अगर लंबी स्टेटमेंट्स वाले सवाल आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको यहां तक ले जाए अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे यूज किए गए हैं इसके अंदर नाउ इट हैज एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एच एल्फा टेलीस्कोप व्हाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर जिसको वार्म कहा जाता है फॉर हाई सोलर इमेजिंग राइट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट इसका मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया मद्रास ऑब्जर्वेटरी के ऊपर इज ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी इन मॉडर्न इंडिया राइट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो आपको ये ये जंतर मंतर वो आपको एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेटरीज यू विल फाइंड राइट और uh, मतलब ये कोई ऑब्जर्वेटरी होना कोई नई चीज नहीं है वी आर वेरी फैसिनेटेड कि यार 125 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी है बट वी आर हैविंग दी गुड रीडिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नाउ राइट right? दैट कि कोई तो ऑब्जर्व कर रहा था वी हैड द टेक्नोलॉजी राइट वी हैड मैथोडोजी टू मैप आउट द यूनिवर्स राइट दिस इज समथिंग विच इज वेरी लेटेस्ट अदरवाइज अगर आप ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे वैसे मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी वर्ष स्टेबलिश्ड और ये सब बातें उस सेंस में वहां पे आ सकती हैं ये थोड़ा सा हमको क्लियर कर रहा हूं कि ये प्रीलिम्स ही नहीं मैं चाह रहा हूँ कि आपका मेन्स और इंटरव्यू भी जाए तो उसके लिए इस टाइप की पर्सनलिटी डेवलपमेंट जरूरी है बच्चे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द मद्रासजर्वेटरी इन सेवनटी नाइनटी टू ठीक है किसने किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेकिंग इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीजन इट रिकॉर्ड एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेशन मून स्टार एंड एसेट्रा और सोलर ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेशन इंडिया सेवन एट फ्राम द ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफिस इन देहरादून राइट ये सारी स्टेटमेंट आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्रेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस हालांकि ये मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका बच्चे और ये जो करंट कॉन्टिन्यूशन चल रही है इसकी कि अगर इतना पुराना है आज भी एक्सक्यूज अगर... मी <coughs> <coughs> तो ये रिसेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चे तो करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि इतना पुराना है और आज भी अगर ये चल रहा है दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम समय दिस इज द रीजन थैंक यू सो मच बच्चे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024